दोस्तों क्या को पता है 232 मिलियन सब्सक्राइबर का साथ आज टी सीरीज इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। 2008 ये वो साल था जब टी सीरीज अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था, बट उन्होंने पहला म्यूजिक वीडियो पब्लिश किया था 2010 में, और देखो आज वो कहाँ है। टी सीरीज की शुरुआत एक बहुत ही छोटे से कैसेट की शॉप से हुआ था जिसका फाउंडर थे गुलशन कुमार, और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन 3,500 करोड़ से भी ऊपर है। सो सवाल ये कि आखिर कैसे एक फ्रूट बेचने वाला लड़का पूरे पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, और ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आज टी सीरीज पूरे पूरे यूट्यूब पर राज कर रहा है, और ऐसी कौन सी बिजनेस मंत्राज है जिसे हम इस कैसेट से सीखकर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गुलशन कुमार जी वेस्ट पंजाब से थे, और 1947 में जो दंगे वगैरह चल रहे थे उस टाइम में वो दिल्ली आ गए। पैसा बहुत ज्यादा नहीं था और हालात इतना बुरा था कि वो रोड पर ही चद्दर बिछाकर फ्रूट्स बेचा करते थे, और रात में वहीं सो जाते थे पूरे के पूरे परिवार के साथ। और इसी तरह वो पूरे स्क्रैच से वो अपने बिजनेस की शुरुआत किए थे। अब धीरे धीरे फ्रूट्स का सेल्स भी बढ़ा और फिर अपना जूस का दुकान भी खोल दिए। अब इनका सिचुएशन पहले से बहुत सुधर गया था, पर उनकी जिंदगी में असली चेंजेस आया 1970 में। अब देखो 1970s के टाइम पर म्यूजिक को लग्जरी माना जाता था। आपने तो पुराने फिल्मों भी देखा भी होगा, बड़े बड़े हवेली, बड़े बड़े ग्रामोफोन, बड़े बड़े एलबी रिकॉर्ड्स, क्योंकि बस वही चला करते थे। अब इनका प्राइस बहुत ज्यादा होता था, तो जिसके चलते सिर्फ पैसे वाले लोग ही इन चीजों को खरीद पाते थे, और आम आदमी के पास सिर्फ रेडियो होता था म्यूजिक सुनने के लिए। और यहीं पे आता है गुलशन कुमार की सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1983 में टी सीरीज के नाम पर चेंज हुआ, जो कि आज हर घर में म्यूजिक को पहुंचा रहे हैं। 1978 ये वो साल था जब भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हुआ, जिसके चलते ये पता चला कि भारत में एक्सपोर्ट से ज्यादा बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है, और इसी वक्त बहुत से कैसेट प्लेयर्स फॉरेन से इंपोर्ट होकर आने लगे। और जब लोगों को इसके बारे में पता चला कि अब उनको महंगे ग्रामोफोन की जरूरत ही नहीं है, जब एक कैसेट प्लेयर से वो गाना सुन सकते हैं, तो वो बिना सोचे समझे कैसेट प्लेयर खरीदने लग गए, और यहीं पे गुलशन कुमार को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। समझ रहे हो आप? वो ये देखे कि कैसेट प्लेयर्स रेजर ब्लेड मॉडल पे काम करता है, जिससे रेजर तो एक बार खरीद लेते हैं पर बार बार ब्लेड की जरूरत पड़ता है। ठीक उसी तरह लोगों के पास कैसेट प्लेयर तो थे, पर उसमें गाना सुनने के लोगों को बार बार दुकान आगे कैसेट खरीदना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मार्केट में ज्यादा कैसेट अवेलेबल हुआ नहीं करते थे, जितने ही बड़े बड़े कंपनियां थी वो सो ग्रामोफोन और एलवी रिकॉर्ड्स के पीछे पड़े हुए थे। बस मार्केट में जितना डिमांड था उतना ही कैसेट आता था, और गुलशन कुमार ने इस मार्केट की गैप को बहुत अच्छे से फिल किया। वो क्या किए ना, पहले तो सारे आर्टिस्ट के कैसेट लिए, फिर उन्हें डुप्लीकेट करके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। और 70s के टाइम पर एक कैसेट को खरीदने का कॉस्ट 7 रुपए हुआ करता था, पर वो उसे 20 या 25 रुपए में बेचना शुरू कर दिए। देख रहा है विनोद कितना बड़ा मार्जिन। अब पैसा तो आना शुरू हो गया था, लेकिन जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो लगा रहेगा। और अचानक उस टाइम के बड़े कंपनी म्यूजिक इंडिया और पोलिडर अपना एलपी रिकॉर्ड्स बेचना छोड़कर वो भी इस कैसेट की दुनिया में घुसने लग गए। अब उनके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि वो पूरे के पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेते, क्योंकि देखो एक तो वो सबसे पुरानी कंपनियां थी, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उनके लिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टोर्स बहुत ज्यादा लॉयल थे, और इसी वजह से वो सब गुलशन कुमार जी के कैसेट नहीं ले रहे थे। अब गुलशन कुमार को करना था इन सबको अपने तरफ, तो उन्होंने ये देखा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स तो इन कंपनियों से माल खरीद रहे थे, पर अगर ट्रांसपोर्टेशन में कैसेट टूट जाए या कैसेट ना सेल हो, ये कंपनी इन चीजों को नहीं लेती थी। इन कंपनियों का मोटिव सिर्फ पैसा कमाना था, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर पैसा दे वो माल पहुंचा दिए, फिर आगे सेल हो या ना हो, कैसेट टूट जाए या पैकेजिंग खराब निकले, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसी चीज को देखते हुए गुलशन कुमार एक बिजनेस मॉडल का यूज किया है, जिसे आज हर बड़े बड़े कंपनी अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। वो मॉडल था जीरो लायबिलिटी मॉडल। वो हर दुकान, हर डिस्ट्रीब्यूटर से बात किए, उन्हें बोला कि आप हमसे कैसेट्स ले और आपका काम है सिर्फ इन सबको बेचना। अगर कैसेट टूट गया तो हम वापस ले लेंगे, अगर पैकेजिंग खराब हुआ तो हम ले लेंगे, अगर कैसेट सेल नहीं हुआ तो हम ले लेंगे, और कैसेट कोई अगर कस्टमर आकर रिटर्न भी कर रहे हैं तब भी हम ले लेंगे। और जब डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा रिस्क और टेंशन ही चला गया, तो वो सब इनसे ही कैसेट लेना शुरू कर दिए, और ये बात पूरे के पूरे मार्केट में कोरोना की तरह फैल गया, जिसके बाद पान के दुकान से लेकर हर छोटे बड़े स्टोर्स में सिर्फ इन्हीं का ही कैसेट दिखाई दिया। अब मार्केट में सेल्स तो बढ़ गया था, लेकिन कुछ सालों के बाद लोगों का बिहेवियर में चेंज होना शुरू हुआ। अब लोग कैसेट प्लेयर से वॉकमैन और ऑडियो प्लेयर पर शिफ्ट होने लगे थे, और लोगों को सिर्फ फेमस सिंगर्स के गाने सुनने को मन कर रहा था। अब उस टाइम में लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले जैसे सिंगर को टी सीरीज अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो क्या किया ना, कॉपीराइट पॉलिसीज के हिसाब से अगर किसी गाने को कोई सिंगर पहले से ही गाया हुआ है
तो अगर उस गाने को 3 साल के बाद कोई और सिंगर उसे गाता है तो उसे कवर सॉन्ग करके बेचा जा सकता है और उसमें कोई लीगली कॉपीराइट भी नहीं लगा सकता। उसी चीज को देखते हुए वो बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रगल सिंगर को वो हायर किए और उनसे फेमस सिंगर्स के गाने रिकॉर्ड करवाए और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, जिसमें कुमार सानू और सोनू निगम जैसे सिंगर्स के भी नाम शामिल है। अब मार्केट में डीवीडी प्लेयर भी आना शुरू हो गया था। उसके बाद वो अपनी कंपनी को सबसे बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूस कंपनी बनाने का ठान लिया। अब हम मार्केट रिसर्च करके ये पता करते हैं कि भारत में डिवोशनल मार्केट बहुत बड़ा है और उसमें कोई भी प्लेयर नहीं है, तो उन्होंने हर रिलीजियस जगह पर जाके वहाँ पर शूट किया और उसमें भजन डाल के मार्केट में सीडीज के थ्रू बेचना शुरू कर दिया और आज भी उनके प्रोड्यूस किया गया हर भजन हर मंदिर हर घर में सुनाई देता है। फिर जब मार्केट में उनका नाम बन गया तो दूसरे कंपनियों को लॉस होना शुरू हो गया था, जिसके चलते 1997 में उन्हें गोली मारकर बीच रोड पे मार दिया जाता है। अब ये पीरियड उनके परिवार और कंपनी के लिए बहुत मुश्किल था। उनके मौत से पूरा का पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री हिल गया था। अब उस कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी था उनके बेटे भूषण कुमार के ऊपर। अब गुलशन कुमार तो इस कंपनी के रूट को बहुत मजबूत रखा था, अब उनके बेटे ने इस कंपनी को बस बड़ा बनाया है। भूषण कुमार पहले से ही जान गए थे कि सारे सारे लोग इंटरनेट आते ही यूट्यूब पर आना शुरू कर देंगे, तो वो 2008 तक सीडीज बेचते रहे। जैसे ही सीडीज का डिमांड कम हुआ, मोबाइल आना शुरू हो गया, तो वो अपना चैनल 2008 में ही यूट्यूब में खोल दिया था और ठीक 2 साल के बाद 2010 में पहला म्यूजिक वीडियो पब्लिश किया था और आज उनके 232 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो कि हर मिनट बढ़ रहे हैं। और आज टी सीरीज म्यूजिक वीडियोस, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, रेडियो और टीवी डिस्ट्रीब्यूशन रॉयल्टी से पर ईयर 400 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि उनके कंपटीटर सारेगामा से डबल है। और हर रीजन के लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए लगभग हर लैंग्वेज में इनका यूट्यूब पे चैनल है। कहते हैं ना, वक्त के साथ बदलो, अगर वक्त ने तुम्हें बदलना शुरू किया तो बहुत तकलीफ होगा। जैसे टी सीरीज वक्त के साथ लोगों के डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाते रहे, ठीक उसी तरह आप भी अपने बिजनेस में चेंजेस लाते रहिए, इनोवेशन लाते रहिए। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके मार्केट में कौन सी चीज नहीं है, क्या उस चीज का डिमांड बढ़ सकता है, क्या उस चीज से किसी बड़ी मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो फिर भाई उस मार्केट में फर्स्ट मूवर बनकर घुसो। अगर लोगों को पसंद आया तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ा तो सेल्स भी बढ़ेगा। ठीक जैसे अगर उस वक्त गुलशन कुमार कैसेट की दुकान में रह जाते तो शायद आज हम गुलशन कुमार का नाम और ना ही टी सीरीज का नाम सुन पाते। और एक सच्चा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने डिसीजंस के ऊपर एंड तक टिका रहे, जैसे उनका जीरो लायबिलिटी मॉडल। आपको क्या लगता है, ये मॉडल क्या किसी और के दिमाग में नहीं आया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आया होगा, पर इम्प्लीमेंट किया सिर्फ गुलशन कुमार। ठीक उसी तरह ये चैनल भी जीरो कॉस्ट मॉडल पे काम करता है। ना ही आपसे पैसा लिया जाएगा, ना ही आपका समय बर्बाद किया जाएगा, बस आपको सिखाया जाएगा। ऐसे ही सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर हर दिन सीखना चाहते हो तो उस बेल आइकन को भी दबा दो। सो कल मिलते हैं, जय जगन्नाथ।